तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आपको धीरे धीरे बताएंगे, तो इसके लिए ना आपको व्लॉग में बने रहना होगा। तो बाकी अभी हम निकलते हैं, 2:09 हो गए, फटाफट चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। बाकी एम्पलीफायर के रिगार्डिंग एक क्विक अपडेट की, हमारे पास शर्ट्स और देखो क्विक एक हल्का सा ना मैंने आपको एक वो दिखा दिया है, क्या कहते हैं, स्नीक पीक दे दी आपको, और कि हमारे पास शर्ट्स जो है वो भी आ चुकी है और जॉगर्स जो है वो भी आ चुके हैं, लेकिन हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ टाइम उसको पूरा प्रॉपर टेस्ट करेंगे, अच्छे से डाल के धो के अच्छे से रगड़ के, या अगर कोई भी कमी पेशी जो है हमारी शर्ट्स में और जॉगर्स में होती है तो वो हमें पहले पता लग जाए और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास अच्छे से है। बाकी पापा भी तैयार हो गए हैं, चले आंखें तो साफ कर लूं, आंखें भाई पापा का ना आंखें भी खराब हो रही हैं और गला भी पापा का खराब हो रखा है क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा है और सर्दियों में सबके गले खराब ही रहते हैं भाई, चाहे हम ठंडा इतना पीते भी नहीं है, ठंडा तो हम मेरे ख्याल से पी नहीं रहे इतने टाइम से, है ना, बहुत टाइम हो गया भाई, हम जब से मम्मी और करण गए हैं ट्रिप पे तब से तो हमने पेप्सी लिमका वगैरह कुछ पी भी नहीं और फिर भी हमारे जो गले हैं वो खराब है क्योंकि पोल्यूशन इतना है। इस आवाज इतने टाइम बाद हमारी गाड़ी साफ हुई ना, इतने दिनों से ऐसी खड़ी हुई थी तो आज जो इसका थोड़ा बहुत जो है रंग निकल के आया है क्योंकि हम इतने दिनों से कहीं जा नहीं रहे थे गाड़ी में, स्कूटी या बाइक पे हम घूम रहे थे, तो आज फाइनली हमने गाड़ी अपनी निकाल ली है, चलते हैं। ओहो क्या बात है, पहले जैकेट उतार लिया, गर्मी बहुत लग रही है। तो बाकी हम निकल चुके हैं, बाकी मैं एक थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे रेस्टोरेंट पे आए हैं, उन्होंने हमारे यहाँ का के फूड खाया एंड इतना प्यार जो वो आके दिखा रहे हैं। बाकी काफी लोग ना कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ है, वैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बता दिया था, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा सबको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारा रेस्टोरेंट जो है कालका जी में है, कृष्णा मार्केट में, जो मेन मार्केट है वहाँ पे, और अगर आपने आना है कृष्णा मार्केट की जो पार्किंग है उसके गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने हमारा रेस्टोरेंट है, तो अगर आपने आना है तो आ सकते। फर्स्ट लोकेशन पे हम पहुंच गए और ना यही वो जगह है जहाँ पे मेरी गाड़ी की जो एक चाबी है वो खो गई थी, पहुंचते ना अंकल पहचान गए, भैया पहले वीडियो बना लो कि मैंने चाबी दे दी है कि बाद में फिर पता चले कि ये चाबी भी खो गई है, लेकिन भाई चाबी हमने अंकल को दे दी है, अब देखते हैं, अब चलते हैं अपना सामान लेते हैं जो हमने लेना है। अच्छा लगता है जब कोई पहचान लेता ना, तो अभी साइड से स्कूटी पे एक सरदार जी अपनी बेटी के साथ जा रहे थे तो वो आगे निकल गए, तो उन्होंने उनकी बेटी ने कहा कि ये देखो ये वही जा रहे हैं, तो पीछे स्पेशली भाई मुड़ के आए, फोटो वगैरह खिंचवा के गए, तो ऐसा अच्छा लगता है कि जब आके कोई मिलता है ना और अप्रिशिएट करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मतलब आज खुशी मिलती है भाई। पापा की आवाज़ ऐसी हो रही है ना कि कोई पापा का शरीर देख के कह नहीं सकता कि इस बंदे की आवाज़ ऐसी है, पापा का गला पूरा पकड़ा गया है, आवाज़ निकल नहीं रही है और इतनी हल्की सी आवाज़ आ रही ना, बट कोई नहीं, दवाई आपने पापा ने ले लिया भाई, दवाई ना निकलने से पहले पापा ने दवाई ले ली थी, छतरपुर और हमें ना अराउंड 1 घंटा लगेगा, बस ये है कि हम पहुंचने में लेट ना हो जाएंगे क्योंकि अगर लेट हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, इतनी लेट हो गए ना, हमें 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना मिला कि अभी भी टाइम दिखा रहा है कि हमें 20 मिनट और लगेंगे और डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है, अभी दिखा रहे कि 6:30 तक हम पहुंचेंगे, बाकी देखो कितने देर में पहुंचते हैं। फाइनली हम आ गए अपनी आज की फाइनल लोकेशन पे कावासाकी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में हमने कुछ दिखाया था कि मैंने नई बाइक लेनी है, है ना, तो आज हम आ गए अपनी बाइक को बुक करने, सो अंदर हम आ गए, सर हमें बता रहे कि कावासाकी Z900 जो है वो अभी अवेलेबल मिल जाएगी और जो 4R है उसमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा, अराउंड कितने टाइम की वेटिंग है सर? सर अगर आप अभी बुक करेंगे हाँ जी, आपको जून या मई वाला स्लॉट मिलेगा। ओके फाइनली बुकिंग हमने कर दी है, है ना, और बाकी आज एक और चीज शेयर करता हूँ मैं कि मेरा ना पहले जब भी मूड ऑफ होता था ना, घर पे लड़ाई हुई है कुछ भी हुआ, मूड ऑफ है तो मैं बाइक उठा के चले जाता था हमेशा कावासाकी की, मैं शोरूम के बाहर खड़े जाता था बाइक को देख रहा था क्योंकि मेरे को शुरू से बाइक और गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शौक है। क्या देख रहे हो? भाई मैं ना कावासाकी के शोरूम के बाहर जाके खड़ा था, दूर से निहारता रहता था कि कभी तो लूँगा, बट आज फाइनली हमने बुक कर दी है। हाँ जी, तो घर हम आ गए, सुखी और लक्ष्य भी आ गए, इसके साथ मैंने जाना है, हाँ एप्रन भी आ गए तैयार होके, क्या बात, ये भी ब्लैक है जो हमारी बाइक आ रही है, पर बोर्ड तुमने लाल करा दिया, बोर्ड मैंने ब्लैक करा था, लाल करा दिया, वो कोई चक्कर नहीं भाई, जो हमारी बाइक आ रही है वो भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, गाड़ी भी ब्लैक, हर चीज ब्लैक, कम भी ब्लैक, तू मार से ना झुटिया खाएगा देख लियो, क्यों
काले कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, इसलिए ना व्लॉग नहीं पाऊंगा मैं, ये शायद व्लॉग थोड़ी सी लेट आ सकता है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ अगर मम्मी और वैसी बता रहा हूँ ना मैं लोगों को, वेट कर रहा कि मम्मी और करण अगर टाइम से वापसी आ गए उनके साथ ही जो है बाइक की डिलीवरी हम लेंगे, बाकी अगर देखते हैं डिपेंड करता है क्योंकि मेरे को अपने बर्थडे से पहले लेनी है और ये है मेरा बर्थडे मंथ, तो मेरे को गिफ्ट्स भेज देना। चलो मैं आपको अपने घर का एड्रेस नहीं बता रहा, मेरे रेस्टोरेंट इससे पार्टी लेंगे, इससे तो हम पार्टी लेंगे, मेरे को जो जिसने नहीं मेरे को गिफ्ट चाहिए कोई नहीं, मेरे लिए जिसने गिफ्ट भेजना है दुकान पे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी ना मैं सुखी के साथ बाहर काम से आया था किसी, तो मेरे को एकदम याद आया कि ये तो मेरा बर्थडे मंथ है और इसका भी बर्थडे मंथ है ना, तो हम क्यों ना स्टारबक्स चले क्योंकि हमें मिलेगी कॉफी अपनी फ्री और एक जो हम कॉफी एक्स्ट्रा लेंगे वो मिलेगी सस्ती, है ना भाई, तो इसलिए फ्री चीजों का फायदा क्यों ना उठाए। 150 रुपया देगा, हाँ 150 रुपया देगा। जीके के स्टारबक्स हम आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे ना अभी मेहनत चल रही है, ये देखो अभी इसका भाई साहब का ना अकाउंट बना रहे हैं, फ्री की कॉफी पीने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि भाई का जो है अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ स्टारबक्स पे, तो इसलिए इसका अकाउंट बना रहे हैं ताकि इसको जो फ्री कॉफी है वो मिल जाए। भाई हम तो नीचे से तैयारी करके आए थे लेकिन यहाँ स्टारबक्स हमसे भी तेज निकला कुछ उन्होंने प्लान ही चेंज कर दिया है भाई, स्टारबक्स हमसे भी नहीं सर भाई, स्टारबक्स हमसे भी तेज निकला, उसने पहले ही ऑफर चेंज कर दिया है, तो ऑफर जो है ना आपका 600 रुपये का होना चाहिए, मतलब कि भाई हमारे टाइम पे नहीं था जब हम पहले करते थे, यूज़ थे भाई पहले कर चुके हैं वो पता नहीं, अगर आपने अपने 600 रुपये पहले स्पेंड कर रखे हैं तभी आपको बर्थडे मंथ में जो है बेवरेज फ्री मिलेगी, तो ये भाई साहब का अभी नीचे अकाउंट बनाया हमने और उन्होंने कहा कि बाय बाय नहीं मिलेगा आपको। तो घर हम आ गए, तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना भूलना और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।